नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था में वृद्धि विकास के बारे में, हम तीसरी यानी किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत में हम समसामयिक घटनाओं के बारे में, मुद्दों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है, हमने देखा था कि किशोर अपराध के बारे में हमने इससे पूर्व में पढ़ा है। इसके बाद में आता है जब किशोर अपराध बढ़ जाता है तो बालक या व्यक्ति जो किशोर होता है वह कब तनाव में आ जाता है और कब आत्महत्या कर लेता है। तो वर्तमान समय की परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो गई कि वर्तमान में अधिकतर किशोर किसी कारणवश तनाव में आ जाते हैं, आत्मग्लानी के कारण या समाज द्वारा प्रताड़ित होने के कारण या आर्थिक कारण या सामाजिक कारण या अन्य कार्य का प्रेशर होने के कारण वह दबाव नहीं झेल पाते, जिसके कारण वह क्या करते हैं, वह अपने आप की हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या तनाव में चले जाते हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है तनाव एवं आत्महत्या। वर्तमान में देखा जाए तो इस प्रकार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। हम अपने आसपास में यदि उदाहरण देखें तो कई प्रकार के बड़े बड़े लोगों ने भी आत्महत्याएं की है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे हमारे यहाँ पुलिस अधिकारी विष्णु साहब हों या अन्य कोई लोग, सामान्य से लेकर बड़े लोग सब किसी तनाव में आकर वह आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। अब मानव के आत्महत्या करने के कई कारण हैं, जैसे आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंची हो वो कारण हो सकता है, या उसकी शारीरिक कोई दुर्बलता है वो हो सकती है, या उसके पारिवारिक कलह या परिवार में इस प्रकार की कोई समस्या है जिसके कारण वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है क्योंकि वह उस प्रेशर को नहीं झेल पा। तो लेकिन प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार, अब देखो समस्याएं जीवन में आती है लेकिन जब तक आदमी उस समस्या से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, यानी वह उसमें जो इच्छा शक्ति की जब उसमें कमी होगी तभी वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। यदि किसी समस्या को उसके सामने है और वह इच्छा शक्ति से उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करता है या उस इच्छा शक्ति से उसका सामना करता है तो वह समस्या वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। लेकिन इस प्रकार यदि वह उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं देता है और उस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करता है और वह तनाव में चला जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। अब इस आत्महत्या करने के लिए जब उसको अपने परिवारजनों का साथ नहीं मिलता, अपने सहपाठियों का साथ नहीं मिलता या मित्रों का साथ नहीं मिलता या शिक्षक का साथ नहीं मिलता है, इस कारण क्या होता है, धीरे धीरे उसमें हीन भावना आ जाती है और हीन भावना आने के बाद में वह क्या करता है, आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए विद्यालय हो या घर परिवार हो, इन सबको चाहिए कि उसके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें और इस प्रकार का व्यवहार रखें जिससे उसको तनाव महसूस नहीं हो, आत्महत्या करने के लिए वह प्रेरित ना हो। तो हमें और वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, साइबर अपराध। वर्तमान में साइबर अपराध की बाढ़ आ गई है जिससे निपटने के लिए सरकार द्वारा भी कई प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, साइबर कानून भी बनाए गए हैं और इन कानून के द्वारा इंटरनेट के
अपराधों में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन किशोरों द्वारा आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल से आसानी से बनाए जा सकते हैं और उसे भेजे भी जा सकते हैं और उसकी एडिटिंग करके उसका गलत उपयोग लोग करते हैं। इस अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कई साइबर कानून भी बनाए हैं, जिससे कुछ हद तक उसमें सहयोग मिला है, लेकिन सहयोग और जब साइबर क्राइम होता है तो आज किसी का फोटो आप एडिटिंग करके डाल रहे हैं तो उसके पास में कोई उपचार नहीं रहता है और उसको आत्महत्या कर लेता है, या किसी के बैंक से पैसे किसी ने साइबर क्राइम से पैसे ले लिए हैं, तब भी वह क्या करेगा, अब उसको आर्थिक लॉस हो गया और उसके पास में कोई उपचार नहीं। तो इन सब से ऐसी स्थिति में इन सबको रोकने की जिम्मेदारी अभिभावक की और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसमें शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि किशोरों की का जो काल होता है वह बहुत ही तूफान और बहुत ही क्रांतिकारी होता है, इसलिए उसको सही दिशा देने के लिए हमें शिक्षक की भूमिका के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। द्वितीय, छात्रों की कोई समस्याएं सुलझाने का प्रयास यदि शिक्षक अपने ईमानदारी से करेगा तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और बालक की समस्या को जानना शिक्षक का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, उसकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षक को चाहिए कि बालक के अभिभावक से भी बात करें, उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनसे बात करके पता लगाए कि भाई इस प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या का समाधान के लिए वह अभिभावक से बात करें और उसका सही दृष्टिकोण रखें। फिर यदि आपको लगता है किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता है तो बालक अभिभावक से बात करके उसको मनोचिकित्सक को दिखाने की भी बात करें और बालक को भी प्रेरित करें कि वह एकदम सही है, लेकिन इस प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको उस डॉक्टर के पास में जाना है, तो इसके लिए प्रेरित करें। इसके अलावा मानसिक तनाव और शारीरिक एवं मानसिक असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है, और मानसिक तनाव कम करने के लिए घर, परिवार और विद्यालय का वातावरण इस प्रकार बनाया जाए जहाँ पर बालक अपने आप को सहज महसूस करें। इसके अलावा छात्रों के साथ में शिक्षक अपना मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे, और इसके साथ में ही शिक्षक बालकों से समय समय पर निर्देशन एवं परामर्श करता रहे, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनसे बात करता रहे, और इस प्रकार वर्तमान के समय में जो अपराध बढ़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए विशेष सेमिनार का महाविद्यालय में आयोजन किया जाए, संगोष्ठी का आयोजन किया जाए या वार्तालाप रखा जाए, जिससे उसके विशेषज्ञ आके बालकों को उसके प्रति जागरूक कर सके। तो इस प्रकार हम तनाव और आत्महत्या से उस बालक को मुक्ति दिला सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इच्छा शक्ति, बालक की इच्छा शक्ति ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। धन्यवाद।